हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है कन्या पूजन और रामनवमी भी है और आज मैं करने जा रही हूँ कन्या पूजन फर्स्ट टाइम। आज मैंने उपवास रखा है। फिलहाल तो मैं उपवास भी नहीं रखती हूँ, लेकिन आज रखा है क्योंकि कन्या पूजन करना है, तो मैं चाहती हूँ सब दिल से हो। तो देखते हैं आज कैसा कर पाती हूँ, कुछ अच्छे से कर पाती हूँ या नहीं। फिलहाल आई होप कि मैं सब अच्छे से ही करूँगी। तो चलिए आज की तैयारी करते हैं और आपको भी साथ में दिखाते हैं कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया। तो चलिए फटाफट, तो पहले मैं रेडी हो जाऊँ। अभी तक मैं रेडी नहीं हूँ, मैं नहा के जस्ट फ्रेश होने अभी मेकअप करने के लिए जा रही थी, तो मैंने कहा चलो फटाफट रेडी हो जाते हैं और एक व्लॉग शूट कर लेते हैं इस चीज़ के लिए। तो चलिए फटाफट तैयार होते हैं और फिर मिलते हैं बाद में। मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेकअप कर लिया है। कैसी लग रही हूँ आप ही बता दीजिए। तो चलो निकलते हैं फटाफट, चलते हैं फटाफट मार्केट और मार्केट से ले लेते हैं पूजा का कुछ सामान। कन्याओं को जो भी देना है वो सब सामान लाना है, और मैंने कुछ लिया नहीं। और हाँ, बाय द वे मैं जो पूजा कर रही हूँ शाम के टाइम कर रही हूँ, ना कि सुबह के टाइम। तो चलिए फटाफट चलते हैं सामान लेने। मैंने कल एक ड्रेस लिया था और यहाँ पे ऑल्टर करने के लिए छोड़ दिया था, और अभी गए हिरेन। तो पता नहीं अभी कैसा ऑल्टर किया होगा, फिटिंग कैसी होगी, कुछ मालूम नहीं है। जैसा भी होगा अभी पहन ही लेना है मैंने शाम को, कोई इशू नहीं है। पर टाइम क्या हो रहा है वैसे, टाइम भी नहीं पता मुझे। तो नहीं, 2:45 हो रहे हैं और मैंने शाम का टाइम रखा है 6 से 7 के बीच का। फटाफट जाके मुझे जो भोजन है, मतलब कन्याओं को जो खिलाना है, वो सब मैंने जाके बनाना है। मेरे सर्वेंट है घर पे दो, तो वो मेरी हेल्प करने वाले हैं, बट मैं अपने हाथ से थोड़ा करने वाली हूँ। तो हिरेन आ गए लेके। ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी मंगवाया था कंजक लोग को गिफ्ट देने के लिए, तो उन्होंने नोटबुक मंगवाए थे, तो हम ये ले रहे थे कि हमने सोचा चलो अभी ले लेते, तो इसका भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। रोड पर निकला था रैली रामनवमी का और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। दूर दूर तक लंबी लाइन थी। फटाफट घर पे आते ही मैंने सबसे पहले तो खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो रही थी। तो ये बना रही थी मैं हलवा, और इसके बाद बनाने थे चने। हलवा पूरी चना ही प्रसाद पे लगता है भोग में माता जी को, तो मैं वही बना रही थी। तो ये हलवा रेडी हो गया है ऑलमोस्ट, और इसके बाद मैं अभी बनाऊंगी। और जल जाएगा नहीं। फाइनली अभी मैं चने को तड़का मारने वाली हूँ, और ये है मसाला रेडी कर दिया है। और ये मैंने तेल में डायरेक्ट मसाला डाला है, मैंने प्याज और टमाटर कुछ नहीं डाला है इसमें एक्स्ट्रा, और इसमें सादा ही तड़का मारा जाता है, इसलिए मैंने सादा ही तड़का मारा है प्रसाद के नाम पे। तो चने को तड़का मार चुकी हूँ और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अभी तो कुछ डाला नहीं है तो भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। सो फाइनली अभी टाइम आ गया चने डालने को, और इसमें मेरे जो सर्वेंट थे वो मेरी हेल्प कर रहे थे, तो क्योंकि वो ज़्यादा था तो कुकर को कुछ थोड़ा ज़्यादा हैवी था, तो इसलिए मैंने हेल्प मांग ली थी। तो ये यहाँ पे मेरे सर्वेंट मेरी हेल्प करके मेरे साथ चना सर्व कर रहे हैं, और इन्होंने पानी नहीं निकाला था, उसमें से पूरा पानी निकाला जाता है, बट इन्होंने निकाला नहीं था। तो बाद में मैंने उसको ज़्यादा अच्छे से पका के पानी को जला दिया था, सुखा लिया था और उसको अच्छे से रेडी कर दिया था। तो आगे देखो मसाला, मतलब थोड़ा उसमें कम लग रहा है, लेकिन ये देखिए देखने में कम लग रहा है लेकिन बाद में बहुत अच्छा हो गया था। उसके बाद अभी हम रेडी होने के लिए हम तीनों का ड्रेस निकाल लिया है। इनका ड्रेस निकाल दिया है, ये मेरी सानवी का ड्रेस है और ये अब मेरा ड्रेस है। हम तीनों का ड्रेस मैंने रेडी करके बाहर निकाल दिया था। तो यहाँ पर पूरी वगैरह निकाल दी थी, ये थोड़ा दीदी थे तो वो बना रहे थे
साथ में हेल्प कर रहे थे, और मंदिर की पूरी तैयारी थी, बच्चों के बुला लिया था, सब कुछ रेडी था। मैं छोटी से छोटी चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी लाइफ में अगर ये वीडियोज़ देखती हूँ तो ऑफकोर्स मुझे भी याद रहना चाहिए कि मैंने क्या क्या किया था, इसलिए मैं हर छोटी से छोटी चीज़ दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये खीर है और ये हलवा है, चना है, पूरी है, और ये थोड़ा कांदा भजिया बनाया था, बस यही सब। और बच्चे आ चुके हैं, ऑलमोस्ट सब रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्त ने सोचा कैसे उनका आदर होगा, ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया था इसलिए मैंने फटाफट आगे का जो वीडियो है फटाफट किए हैं, तो ये थोड़ा फास्ट में रहेगा और फटाफट ख़त्म करने की कोशिश की, क्योंकि सभी कन्याओं को अगर दिखाने जाती तो काफ़ी लेट हो जाता। तो यहाँ सबसे पहले हम पैर धो रहे थे और पैर धो के उनका अच्छे से क्लीन कर रहे थे, फिर उसके बाद में हम लोगों ने उनको खाने के लिए बिठाया था। तो चलिए आगे देखते हैं कंटिन्यू। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जहाँ मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर भी मुझसे कोई भी बात करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके उसमें भी आप मुझे एक इनबॉक्स मैसेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को देखिएगा, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझसे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो बच्चे लोग इतना शोर मचाते हैं ना कि हड़बड़ी में कुछ समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। सब छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को कुछ बातें समझ आती हैं कुछ नहीं आती, क्योंकि एकदम छोटे छोटे थे, इनको कुछ भी बोलने जा रही थी तो इनको आधी बातें तो मेरी समझ में ही नहीं आ रही थी, और मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, कुछ कोई कुछ बोल रहा था कोई कुछ बोल रहा था, तो फिर भी मैंने अपनी तरफ से जितना मेरे को समझ आता है मैंने उतना किया और अच्छे से ही करने की कोशिश की है। तो अभी इनको चुनरी दे रही थी, जैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप सब किया जाता है बस वही कर रही हूँ। आरती उतारते समय जब सानवी का मैंने फर्स्ट टाइम आरती उतारा, तो सानवी की आरती उतारते उतारते सानवी ने दिए पे हाथ मार दिया था, तो सानवी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं बाकी बच्चों की आरती कैसे उतारूं, क्योंकि सानवी कंटिन्यू रो रही थी ऐसे टाइम पे। कन्याओं के लिए गिफ्ट के तौर पर ये थालियाँ मैंने उनके लिए गिफ्ट के तौर पर ही लाई थी, और जो भी अलावा उसके अलावा कैश वगैरह दिया जाता है या उनको खाना खिलाया जाता है, चुनरी वगैरह उड़ाई जाती है, आई थिंक यही सब चीज़ें की जाती हैं, तो मुझे जितना समझ में आता था उतना मैंने किया है।
तेरी भाई थाली वाले मुखी थी तेरे पास फोटा पड़ेगा ए आप दादी की रोज ये मेरी सिस्टर इन लॉ है और मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी लड़कियों के लिए कन्याओं के लिए वो नोटबुक पेन और रबर आई थिंक लिए थे गिफ्ट के तौर पे, तो उन्होंने भी उनको दिया था। एक और भाभी थे हमारे नेबर में, तो उन्होंने भी कन्याओं को कुछ कैश और वो टीका वगैरह किया था। फिर हम लोगों ने आशीर्वाद लिया और बस सबको कैश दिया खाना खाने के बाद में, सबका आशीर्वाद लिया अच्छे से। उसके बाद में बहुत मज़ा आया एक्चुअली लास्ट में, अगर आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। आई नो ये वीडियो मैं काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ, प्लीज़ सॉरी, क्योंकि मैं इतना सीरियस नहीं लेती हूँ इन सब चीज़ों को, बट फिर भी आप लोग को दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।